हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त कैरन ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजाइनिंग पॉइंट पर। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ई कॉमर्स पोस्टर है किस तरह से डिजाइन करते हैं। और आज का जो हमारा ई कॉमर्स पोस्टर है वो एक शूज का डिजाइन है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि शूज का ई कॉमर्स पोस्टर किस तरह से डिजाइन करना है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, कलर का बहुत ही कम यूज करना है और कलर को मैच कराना है प्रोडक्ट के साथ में। एंड गाइस, कलर के साथ साथ फॉन्ट का यूज भी आपको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना है। फॉन्ट के स्टाइल जो है वो आपको देखने हैं कि आपके प्रोडक्ट के साथ में कौन से फॉन्ट मैच करते हैं, ज्यादा फॉन्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कोरल में। कोरल में हम लेंगे एक न्यू डॉक्यूमेंट एंड इसको हम सेव कर देंगे कॉमर्स सूस पोस्टर के नाम से। हमने फाइल को सेव कर दिया है। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ हमारे पास डाटा क्या क्या है। हमारे पास एक ये पिक्चर है जिसमें एक रनिंग मैन है जो कि एक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने ये लेना है एंड इस सूस का इस्तेमाल करना है हमने। मैंने इसकी जो है कटिंग ऑलरेडी कर ली है। तो हमने दिखाना है ये सूज का जो कलर है हमने रेड कर लिया है फोटोशॉप के अंदर। ये ब्लैक कलर है और हमने एक पिक्चर जो सूज की है वो रेड ली है तो इसका भी हमने कलर जो है रेड कर दिया है। अब हम सबसे पहले तो शूज एंड बैकग्राउंड लेकर आएंगे। शूज और बैकग्राउंड ले लिया है। ये हमारे शूज जो कि प्रोडक्ट है इनको हमने हाईलाइट दिखाना है। ये है बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड को इस तरह से दिखाना है ताकि ये आपस में मर्ज ना हो। तो जो बैकग्राउंड का कलर है हमें ऐसा करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोडक्ट निकल कर आए। हम देख लेते हैं यहाँ पर कलर जो है मुझे लग रहा है ये वाला डीप येलो कलर जो है ज़्यादा सूटेबल रहेगा। यहाँ पर हम बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट चेंज करते हैं। ज़्यादा येल्लो लाइट हो गया है तो ये वाला कलर हम लेंगे। बैकग्राउंड कलर जो है अब ठीक है। हमारा प्रोडक्ट इसमें जो है दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेंगे। शैडो जो है इसकी काफी बड़ी थी। देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेड है एंड बैकग्राउंड है वो येलो है। येलो के जो ऊपर रेड है वो काफी अच्छा दिखाई देता है और काफी ज्यादा प्रोडक्ट जो है हमारा निकल कर आ रहा है। अब देखिए हमारा प्रोडक्ट हमारे साथ है एंड अब हमने इंटेंट देखना है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर हम उसके अकॉर्डिंग मैच कर देंगे और यहाँ पर जो है कलर हम आरजीबी करेंगे और थोड़ा सा इसको हम इस तरह से मैच करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड है हमारी। अब हम कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। इट्स टाइम टू चेंज योर शूज द रियल कंफर्ट शूज। एड्रेस है, नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, सब कुछ है हमारे पास। अब हम कम जो है इसके कंटेंट की प्लेसमेंट करेंगे। कंटेंट प्लेसमेंट देख लेंगे हम कैसे करनी है। मैं यहाँ से एंटर मार देता हूँ और इसको भी यहाँ से एंटर मार के जो है मैं चेंज को बड़ा करूँगा। इसका फॉन्ट जो है स्टाइल हम बड़ा रखेंगे, फॉन्ट साइज जो बड़ा रखेंगे। एंड पहले हम फॉन्ट देख लेते हैं। फॉन्ट हमने सिंपल रखना है तो जो है फॉन्ट में यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ बार्लो फॉन्ट मेरे ख्याल से यहाँ पर सही रहेगा। बार्लो बोल्ड ले लिया है हमने एंड इसका जो है फॉन्ट हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा और बड़ा। हमने इसको और हम इसको कर लेते हैं इटैलिक। बोल के इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे हम थोड़ा सा बड़ा और इसके अलाइनमेंट
कलर हम इसका करेंगे यहाँ पर व्हाइट कर लेते हैं कलर। कलर हमने व्हाइट कर लिया है, टच कर लेते हैं यहाँ पर 0.5 और इसको हम ऊपर से नीचे रखेंगे ऊपर आधा इंच। मैंने इन सबको ग्रुप कर लिया और इसका एक एरिया है और इसमें हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। ब्लैक जो है RGB वाला ब्लैक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर जो है ये है हमारे शूज एंड हम जो है यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं कोई, यहाँ पर एक वो शेप बना लेते हैं हम एक। यहाँ पर जो है कुछ एक ट्राइंगल की शेप जो है बनाने जा रहा हूँ, शेप को हम बना लेंगे। शेप बन गई है, थोड़ा सा जो है मैं इसको होल्ड कर देता हूँ, वाइट आउटलाइन है जो चार पॉइंट जो है ठीक है। और मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर देता हूँ। अब ये जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है और इसमें हम जो है कलर फिल कर लेते हैं। इसमें जो है RGB वाला रेड लेंगे, यहाँ पर इसको हम कर देंगे पावर क्लिक। और अब हमने शूज को ऊपर लेके आना है और ट्राइंगल को नीचे ले जाना है। अब देखिए इसको हम यहाँ से थोड़ा सा कट करके ऊपर लेके आएंगे, जो आउटलाइन है इसको यहाँ से हम कट करके थोड़ा सा ऊपर लेकर आते हैं। ताकि ये इस तरह से दिखाई दे कि ये इसके अंदर से होके निकल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ और शेप ले लेते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर सकें। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट एक बना लिया है। अब हम इसमें जो कलर है येलो अगर ले लेंगे तो येलो जो है काफ़ी अच्छा कलर यहाँ पर दिखाई देगा और जो प्रोडक्ट है हमारा क्लियर निकल कर आएगा। ठीक है, तो येलो जो कलर है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, शूज़ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। मेन चीज़ हमारा प्रोडक्ट हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि है इस टाइम हाईलाइट दिखाई दे रहा है। और इसकी आउटलाइन हमने हटा दी है और इसको थोड़ा सा अंदर कर देंगे यहाँ पर हम, ओके। एंड इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये थोड़ा सा तिरछा है, इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम और कुछ डिज़ाइन डाल देते हैं। तो देखिए हम यहाँ से कुछ इस तरह से शेप बना लेते हैं, कुछ शेप इस तरह से हम जो है इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। डिज़ाइन में हमने कुछ ज़्यादा भरना भी नहीं है, डिज़ाइन को कुछ इस तरह से दिखाना है कि ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो और ज़्यादा भरा भरा ना दिखाई दे। इसमें जो कलर हम डालेंगे शूज़ वाला कलर डाल लेते हैं, शूज़ में क्या कलर है, तो ये जो है मैच हो जाएगा इसके साथ। एंड इसको अब हम कॉपी करेंगे और
और यहाँ पर लेकर आएंगे इसको, यहाँ से रोटेट करके इसकी प्लेसमेंट यहाँ कर लेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ पर हम प्लेसमेंट कर देते हैं। एंड कुछ दो हम ट्रायंगल और बना लेते हैं यहाँ पर, कंट्रोल क्यू इसको डिलीट कर देते हैं। एंड इसको हम थोड़ा सा सेंटर लेके आते हैं, इसमें भी कलर हम जो है शूज़ वाला ही फिल कर लेते हैं थोड़ा सा स्मॉल। एंड इसको हम यहाँ प्लेसमेंट करेंगे एंड यहाँ पर रोटेट कर देते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसको प्लेसमेंट देंगे एंड इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया है। इसके बाद हम जो हमारा कंटेंट ओवर है वो देख लेते हैं क्या है। इस कंटेंट को लेकर आएंगे हम, इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद में कंट्रोल की एंड सूज को करेंगे हाईलाइट। फॉन्ट स्टाइल हम इसका जो है चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, इसका फॉन्ट हम इंट्रो ले लेते हैं और इसका हम नेक्सा ले लेते हैं। इसको छोटा कर देते हैं और इसको हम वाइट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। फाइल को सेव। अब ये जो है मैन, इसको हम लेकर आएंगे। इसको मैं ले आया हूँ और इसको छोटा कर लेंगे। इसको छोटा करने के बाद में जो है इसको भी हम प्लेसमेंट देंगे। इसके ऊपर जो ये एक शेप है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको भी हम प्लेसमेंट देंगे यहाँ पर थोड़ा सा छोटा। और जो है हम थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ बड़ा कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ी सी शैडो डाल देते हैं। थोड़ी सी हमने शैडो डाल दी है। अब हम यहाँ पर जो है एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ देंगे। तो है एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल हम लेते हैं यहाँ पर। कंपनी का नाम है, एड्रेस है, सब कुछ है हमारे पास। हमने इसकी प्लेसमेंट करनी है। फॉन्ट स्टाइल हम इसका चेंज करेंगे। चलो ये फॉन्ट हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं और इस फॉन्ट को भी हम चेंज कर लेते हैं, बार लो कर देते हैं इसको भी और इसको थोड़ा सा बड़ा एंड दोनों को पकड़ के हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको जो थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, अंदर करेंगे थोड़ा सा, आधा इंच लगभग जितना ऊपर किया हुआ है उतना ही हम यहाँ पे इसको अंदर करेंगे। एंड जो है अब हमने ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें डालनी है। इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं और Alt M से जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हमने कॉपी कर ली है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसका कलर जो है हम वाइट कर देते हैं यहाँ पर। कंट्रोल के, तीनों अलग अलग हो गए हैं। पहले नंबर देंगे हम, उसके बाद में ईमेल आईडी, उसके बाद में वेबसाइट देंगे हम। अब हम यहाँ पर आइकन भी डाल लेंगे, इनके आइकन यूज़ कर लेते हैं। आइकन मैंने लिए हुए हैं, आइकन दूसरी फाइल में सेव हैं। उसको मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार। ये हैं हमारे आइकन, इनको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ऊपर वाले जो आइकन हैं ये लगभग सही हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम और इसको टॉप अलाइनमेंट। एंड नीचे वाले आइकन अब हम यहाँ पर लगाएंगे। तो अब जो है हम आइकन की सेटिंग देख लेते हैं। इसको इसके अलाइनमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। यहाँ पर हम इनके पार्टीशन के लिए एक जो है लाइन दे देते हैं थोड़ी सी पतली और इसको हम पावर क्लिप कर देते हैं। सबसे पहले हम देंगे कॉन्टैक्ट डिटेल,
कॉन्टैक्ट डिटेल हमने दे दी है, इसके बाद हम देंगे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी हमने दे दी है, इसके बाद हम देंगे वेबसाइट। वेबसाइट हम देंगे जो है इसकी सारी डिटेल दे दी है। डिटेल देना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा अब हम इनको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, अभी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ये जो पोस्टर है हमारा बन चुका है। ऐसे हम इजीली इसको बना सकते हैं। अगर हमने इसमें कलर ऑप्शन दिखाना है तो हम इसमें कलर ऑप्शन भी यहाँ पर चेंज कर लेंगे। कलर ऑप्शन भी हमने शूज़ के अकॉर्डिंग दिखाना है ताकि जो है हमारा प्रोडक्ट जो है क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर मैं इस कलर को थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। हमारे पास जो है अब दो ऑप्शन हो गए हैं कलर के, तो हम वाइट कर देंगे और इसको भी हम वाइट कर देंगे। हमारे पास में इसके दो ऑप्शन आ गए हैं। हम इस ट्रायंगल वाली शेप जो है इसमें भी कलर चेंज कर देंगे। वाइट कर देते हैं, इसको भी वाइट कर देते हैं, इसको भी वाइट कर देते हैं। वाइट हमारे गाइस जो पोस्टर है रेडी है एकदम, देख सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं। हमने कलर कभी ज्यादा कोई यूज नहीं किया है, सिंपल कलर रखे हैं एंड फॉन्ट स्टाइल भी। इस तरह से हम पोस्टर बना सकते हैं।